हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तृतीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए, अपन ने इससे पहले है आपके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया देखी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखी और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जैसे उन्होंने उनके लिए अपन ने आपका वेग व्यंजक निकाला है, उसमें अलग अलग आपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है आपको वेग व्यंजक निकालना है और साथ में अपन इससे रिलेटेड जो देखेंगे कि भी क्या ये अभिक्रियाएँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि अपन प्रयोगों द्वारा क्या करें, निर्धारित करें या प्रयोगों द्वारा ये बताएं कि जो वेग समीकरण है में जो सांद्रता के पद हैं अगर उनके घातांक कितने हो, तीन हो, अर्थात अभिक्रिया जो है उसमें तीन घात देखने को मिलती हो, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं सामान्यतः किस तरह की अभिक्रिया कहलाएंगी, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं के लिए अगर अपन बात करते हैं तो अभिक्रिया की जो कोटि है उसके लिए होने के लिए जो आवश्यक है वो अणुओं की, एक तो अणुओं की न्यूनतम संख्या और जिनमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता हो, तीन होता हो। यहाँ अपन क्या कह सकते हैं कि भी आपकी जो तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया होगी, इस तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो आवश्यक अणुओं की, आवश्यक अणुओं की संख्या और कितनी होनी चाहिए, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि भाई है ना, इसमें जो सांद्रता परिवर्तन है, ये सांद्रता परिवर्तन इसमें आपका कितना होता हो, तीन होता हो, कि भाई सांद्रता परिवर्तन कितना हो, तीन हो, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं किस तरह की कहलाएंगी, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। कि भी अभिक्रिया वेग है वो सांद्रता पदों के तीन घातांक होती हैं, या फिर कह दें आपके जो है सांद्रता परिवर्तन की तीन होती दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सांद्रता परिवर्तन कह दें या सांद्रता पदों के घातांक कह दें, अगर वो तीन हैं तो ये सामान्यतः तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है वो कहलाती है। यहाँ पर अपन बात करें जो ये परिवर्तन हुआ है, ये सामान्यतः तीन प्रकार से ये जो परिवर्तन है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए तीन परिवर्तन किस तरह से, पहला परिवर्तन सुनना है कि एक ही अभिकारक है, कि भी यहाँ पर क्या है, एक ही अभिकारक है और उसके यहाँ पर तीन अणु है वो यहाँ पर किए गए हैं, उपयोग किए गए हैं या कह दें प्रयुक्त किए गए हैं, काम में लिए गए हैं। दूसरा, एक तो परिवर्तन ये हो गया कि एक ही अभिकारक के तीन अणु ले लिए अपन ने और उसमें फिर आपके इसका वेग समीकरण। दूसरी चीज़, यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, आपने लिए दो अभिकारक और दो अभिकारक में अपन बात करें, एक आपने जो अभिकारक लिया है एक के दो अणु ले लिए, एक अभिकारक के क्या ले लिए, दो अणु और दूसरे का एक अणु ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस तरह से संपन्न हो सकता है। एक जो तीसरी चीज़ यहाँ पर कंडीशन देखने मिली थी कि भी तीनों अभिकारक ही क्या ले लिए अपन ने, तीनों अभिकारक अणु भी क्या ले लिए आपके, उनका एक अणु प्रयुक्त कर दिया या कह दें अलग अलग ले लिए, कि तीनों अणु ही क्या हो आपके, अलग अलग ले लें। तो यहाँ पर तीन जो है कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें आपके जो सांद्रता परिवर्तन है वो अपने इसमें कर सकते हैं। पहला, एक ही अभिकारक के तीन अणु काम में ले लिए, या फिर दूसरे में कहें कि दो अणु लिए हैं, दो अभिकारक अणु लिए हैं जिसमें एक आपका दो अणु लेंगे और एक आपका एक अणु और इसके साथ, ठीक है, या फिर तीनों अभिकारक की क्या ले लें, अलग अलग ले लें। अब देखिए इसको अपन किस तरह से बता सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया भाई 3A और किस में चेंज हो गया, ये आपका उत्पाद में बदल गया। इसी तरह से बात करें 2A+B, ये ले लिया, ये भी आपका उत्पाद में बदल गया,
ठीक है। और तीसरा सुनना है आपको a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी किस में बदल गया आपका, उत्पाद में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो सांद्रता परिवर्तन है, ठीक है, आपके अभिकारक अणुओं की, वो इसमें इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है कि पहले अपन ने तीन अणु ले लिए, ये उत्पाद में बदलेंगे, अपन ने यहाँ पर दो अभिकारक लिए और एक दो अणु ले लिया, एक एक अणु ले लिया, ये भी क्या बन गया, उत्पाद में बदल गया। इसी तरह से तीनों अभिकारक अलग अलग ले लिए और फिर बन गया उसका उत्पाद। तो इस तरह से अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि तीन कंडीशन यहाँ पर इसके लिए बात कर सकते हैं, या जो सांद्रता परिवर्तन है वो इसमें अपन तीन तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अपन अगर यहाँ पर अणुओं के लिए बात करें, जैसे मान लो अपन ने पहला एक पहली जो स्थिति है कि भाई अणु कैसे हों, तीनों अभिकारक अणु एक जैसे ही काम में ले लिए और उनमें जो सांद्रता परिवर्तन है वो देखा कि भाई यहाँ पर सांद्रता परिवर्तन है वो किस तरह से देखने को मिले। और सामान्यतः यहाँ पर अपन इनकी जो सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रताएँ हैं वो ले लें, तो उसके आधार पर यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगी, तो वो कंडीशन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर तीनों कंडीशन की अपन बात करेंगे जो अपन ने अभी यहाँ पर लिख के डिस्कस की है कि कभी तीनों अणु एक जैसे होंगे, कभी तीनों अलग अलग होंगे, कभी दो अणु एक जैसे और एक अलग। तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिले, तो यहाँ पर अब स्थिति है वो ये वाली बात करेंगे अपन, तीनों अभिकारक अणु कैसे हों, एक जैसे हों और उनके लिए अपन बात करें या तो ये ले लें या दो अभिकारक अणु अलग अलग ले लें, वो भी कंडीशन है। तो यहाँ पर अपन बात करें अपन जो आपका अभिकर्मक है, अभिकर्मक कौन सा है, ए, इसकी अपन बात करें, इसके अंदर जो सांद्रता परिवर्तन है यानी टी इक्वल्स टू जीरो बात करें, इसमें सांद्रता परिवर्तन आपको कितना देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सांद्रता परिवर्तन आपका कितना होता है, ए मोल प्रति लीटर। इसकी सांद्रता कहते हैं, सीधी सांद्रता लिखें, ए मोल प्रति लीटर है कि भाई यहाँ पर इसकी सांद्रता कितनी है, ए मोल प्रति लीटर है, जो टी समय पश्चात क्या है, टी समय पश्चात अपन बात करें, तो यहाँ पर अपन बात करें टी समय पश्चात कितनी रह जाती है, एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है, कितनी रहेगी आपकी, एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है, या अपन कह दें कम हो जाती है, मतलब इसमें आपका ए माइनस एक्स के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। अपन इसको इस तरह भी तो बता सकते हैं, अर्थात अपन यहाँ पर टी समय पश्चात ए की सांद्रता टी समय पश्चात ए की सांद्रता, तो यहाँ पर ए की सांद्रता कितनी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ए माइनस एक्स मोल हो जाएगी, सांद्रता ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर हो जाती है, कितनी होगी, इतनी रह जाती है। अब यहाँ पर बात करें ऐसी अवस्था में अपन देखें, तो इसके लिए जो अभिक्रिया का अपन अवकलित समीकरण की बात करें या अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें, तो अभिक्रिया वेग आपको क्या देखने को मिलेगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k3। अब यहाँ पर सांद्रता लिख देंगे तो a माइनस एक्स क्यूब या फिर कह दें 3, ये देखने को मिलेगा। वापस अपन यहाँ पर परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर dx अपॉन a माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू के dt, ये हो जाता है, ये आपका समीकरण नंबर 1।
देखिए यहाँ पर अभिकर्मक ए की प्रारंभिक सांद्रता है वो एक मोल प्रति ए मोल प्रति लीटर है, जो कि टी समय पश्चात आपके एक्स मोल लीटर कम हो जाती है। अर्थात अपन यहाँ पर क्या है, टी समय पश्चात ए की जो सांद्रता है वो ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर क्या हो जाती है, आपके रह जाती है, मतलब बची हुई है। और अभिक्रिया का वेग अपन इसके लिए बात करें तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के थ्री ए माइनस एक्स क्यूब है, वो यहाँ पर आपके प्राप्त होती है। अब देखिए अपन यहाँ बात करें, यहाँ पर के थ्री जो है वो तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसका वेग नियतांक है। यहाँ पर क्या है, जो आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है उसका क्या आपके भाई वेग नियतांक है। अब यहाँ पर यहाँ तक की अपन बात करें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ऐसी स्थिति अपने आपके फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों में देख रखी। अब यहाँ पर बात करेंगे कि भाई आपका जो यहाँ पर के थ्री का मान जो प्राप्त हुआ है अपने को, कि भाई ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई, तो समीकरण ए का समाकलन करने पर, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो आपकी समीकरण नंबर एक है इसका अपन समाकलन करेंगे और इसके लिए इसकी जो समाकलन वैल्यू है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण एक का समाकलन करने पर तो यहाँ पर भी अपन एक समीकरण नंबर एक ये है इसका समाकलन कर देंगे, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू के थ्री डी टी आपका आ गया। अब यहाँ पर इस समाकलन स्थिरांक को और हल करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जिसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, a अपॉन टू ए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू के थ्री टी प्लस सी, आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर ये वैल्यू आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ समझनी है, यहाँ पर सामान्यतः जो C है ये यहाँ पर इसका क्या है समाकलन स्थिरांक है, क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है, क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है। अगर यहाँ पर एक स्थिति की बात करें जैसे यहाँ पर t इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू ज़ीरो, इस स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि इस समीकरण के अंदर जो परिवर्तन है वो क्या होगा, तो यहाँ पर एक तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर बात करें ये जो वैल्यू है वो ये ज़ीरो है तो ओवरऑल ये भी क्या हो गया ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिख दें, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये तो ज़ीरो है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे c, तो यहाँ पर अपने पास जो आपका c जिसको अपन ने समाकलन स्थिरांक कहा था उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, c का मान, अब देखिए अपन ने जो समीकरण नंबर दिया था तो उसी समीकरण में क्या करेंगे, c का मान समीकरण दो में रखने पर, तो यहाँ पर आपके पास जो ये समीकरण आ रखा है इसी समीकरण में अपन क्या कर देंगे इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर ये मान रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके a माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी आपकी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा a माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा k थ्री टी प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर, आपका ये समीकरण आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें भाई इधर कॉमन लेके कर ले तो उसमें आपके अलग वैल्यू आ जाएगी, तो अपन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे इसके लिए और हल करेंगे,
तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो आपका K3T है इक्वल्स टू क्या देखने को लो, 1/2a-x² ठीक है, और अपॉन में 2a² देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपन बात करें K3, अब देखिए T को दूसरी तरफ ले आए तो देखो दो कॉमन है इसमें, तो अपन क्या लिख देंगे 2T 1/a-x² क्या हो गया, 1/a-x² और माइनस, तो यहाँ पर 2 अपने कॉमन पहले था तो 1/ क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, तो 1/a² ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। और ज़्यादा हल करें इसको तो यहाँ पर इसमें और कौन से मान देखने को मिल सकते हैं कि अपन इसको क्या कर दें, इनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर इसके द्वारा जो है K3 = 1/T भाई इससे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर से, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा x/ यहाँ पर 2a² और अब इसमें सांद्रता वैल्यू है वो लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 2a-x, पहला कौन सा हो जाएगा 2a-x और अपॉन में क्या आएगा कि बी अपॉन के स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा अब ये वैल्यू आपका किस रूप में आ जाएगा, स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर t था अब इसमें 2a² और इसी इसमें साथ में वैल्यू क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर a-x² अब यहाँ पर अपने को जो है एक व्यंजक और प्राप्त हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि K3 = 1/T x 2a-x / t 2a² a-x² सामान्यतः ये जो आपका आपका वेग व्यंजक प्राप्त हुआ है ये तृतीय कोटि का यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक कहलाता है। मतलब अपन ये चीज़ कब देख रहे हैं, जब आपका कोई जो अभिकारक है वो क्या हो एक समान सांद्रता को, मतलब अभिकारक एक ही जैसा लिया हो उसकी प्रारंभिक अपन सांद्रता क्या करें समान ना लें, और या फिर दो अभिकारक ले लें तो उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं इस तरह से भी एक व्यंजक निकाल सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट आपके सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड आपका वेग व्यंजक निकालना, और इससे रिलेटेड अपन और दो स्थितियां हैं वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आज का अपना जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने लिए धन्यवाद।